अच्छा तो सबसे पहले नंबर आप लोग देखिए कि मैं केवल एक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और मेरा जो कैरेक्टर है वो सीधा हेडशॉट लगा रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई हैक है, तो ये कोई हैक नहीं है, एक ट्रिक है जो कि वाइट ऐप भी यूज करता है। तो वेलकम बैक अगेन दोस्तों, ये वाली ट्रिक कौन सी है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोगों ने एक बार इस ट्रिक को सीख लिया तो आप लोगों के टपाटप हेडशॉट लगने वाले हैं, केवल एक क्लिक में आप लोगों के हेडशॉट लगेंगे। ये ट्रिक कौन सी है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले नंबर, जब भी आप किसी बंदे को स्कोप हेडशॉट लगाते हैं उसके लिए आप लोगों को तीन बटन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले नंबर आप लोग अपने स्कोप को खोलना पड़ता है और बंद करना पड़ता है, उसके बाद जंप करना पड़ता है और उसके बाद में लेफ्ट फायर बटन का यूज करना पड़ता है, तभी आप लोग वाइट ऐप ऐप की ट्रिक का यूज कर पाएंगे। अगर आप लोग इन सभी बटन को बहुत ही फास्ट दबाए तो आप लोग हाथ से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन की जिसका नाम है ऑटो क्लिकर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला एप्लीकेशन कोई भी हैक नहीं है और इससे आप लोगों की आईडी भी बैन नहीं होगी। आप लोगों ने देखा कि मैं इस एप्लीकेशन से कितने तगड़े हेडशॉट लगा पा रहा हूँ, बैकग्राउंड में देखिए आप लोग, मतलब इस एप्लीकेशन के यूज करने के बाद मेरी हर एक गोली सीधा ही हेड पर लग रही है, मतलब ओनली रेड नंबर। आप लोगों ने ऑटो क्लिकर एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड कर लिया है तो उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, पहला सिंगल मोड और दूसरा मल्टी मोड। आप लोगों को दूसरे ऑप्शन मल्टी टारगेट मोड को इनेबल करना है और जैसे ही आप लोग उसको इनेबल करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स टाइप का आ जाएगा जिसमें एक प्ले टाइप का बटन होगा, एक प्लस का बटन होगा, एक तीर का निशान होगा, एक माइनस का बटन होगा, एक सेटिंग का बटन होगा और एक बटन होगा जो कि चारों ओर से तीर के निशान लगे होंगे। अब इस तरह का जो बॉक्स आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर रहेगा। अब आप लोगों का काम यहीं पर ही खत्म हो गया है। उसके बाद आप लोगों को फ्री फायर गेम को ओपन करना है और फ्री फायर गेम को ओपन करने के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग राउंड में जाना है और ट्रेनिंग राउंड में जाने के बाद आप लोग प्लस वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक्स्ट्रा बटन आते जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को चार बटन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लोग व्हाइट ऐप की तरह हेडशॉट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को प्लस के बटन पर चार बार क्लिक करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पहला और दूसरा बटन स्कोप पर अगल बगल में रख देना है जिस तरह से मैंने रखा है। उसके बाद में तीसरे बटन को आपको जंप वाले बटन पर रखना है और चौथे बटन को आपको लेफ्ट फायर बटन पर जाकर के रख देना है। उसके बाद आप लोगों को सेव कर देना है। अब आप लोगों को स्कोप वाली गन जितनी भी है उन सभी पर ये ट्रिक काम करेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को XM8 गन पर ट्राई करके दिखाता हूँ। तो मैंने XM8 गन ले लिया है। उसके बाद जैसे ही मैं इस प्ले वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो सभी बटन एक के बाद एक बहुत ही फास्ट दब रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सीधा ही हेडशॉट लग रहा है सामने वाले एनिमी को, ओनली रेड नंबर। इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों का परफेक्ट हाथ बैठ जाए कि कहां पर किस तरह से ट्रिक का यूज करना है, क्योंकि ये वाली ट्रिक खड़े हुए बंदे पर अच्छी तरह से काम करती है। या फिर कोई बंदा आपके ऊपर ड्रैग हेडशॉट लगा रहा हो उस टाइम पर भी ये वाली ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ये वाली स्पास गन पर किस तरह से काम करती है। तो स्पास गन में भी आप लोगों को पता है कि स्कोप होता है, तो स्कोप वाली गन पर ये ट्रिक सभी पर ही काम करती है। मैं बुट पीकर भी आप लोगों को यूज करके दिखा रहा हूँ, तो बुट पीकर से भी ओनली रेड नंबर लग रहे हैं। ड्रैगनो गन से भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ड्रैगनो गन से भी ओनली रेड नंबर लग रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग UMP गन का भी यूज करते हैं। अगर आप लोग इस ट्रिक को UMP गन के साथ यूज करते हैं तो UMP गन का भी ओनली रेड नंबर लगेगा। तो फिर इस तरह से व्हाइट ऐप ऑटो स्कोप हेडशॉट ट्रिक का यूज करता है और इसलिए उसके हर एक बुलेट सीधा रेड नंबर यानी कि हेड पर ही कनेक्ट होती है। तो आप लोगों को ये वाली ट्रिक का यूज करना है। ये वाला कोई भी हैक एप्लीकेशन नहीं है और ना ही आप लोगों की आईडी इस वाले एप्लीकेशन से बैन होगी। मैं इस एप्लीकेशन का काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग डिटेल में समझ पाए होंगे कि व्हाइट ऐप ऐप किस तरह से अपनी ट्रिक का यूज करता है। अगर आप लोगों से हेडशॉट लगाते नहीं बनता है तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप फ्री फायर गेम की कंट्रोल सेटिंग समझना चाहते हैं कि फ्री फायर गेम की कंट्रोल सेटिंग किस तरह से काम करती है तो जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप लोग किसी भी कैरेक्टर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह से काम करता है उसके लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।